जिन्नी भी हाले तक रिसर्च हुई है नयनतारा ते वो सारी बायोग्राफिकल है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उसनू उन्होंने एप्रोप्रिएट कर लिया या उन्होंने सिर्फ एज अ वूमन राइटर हाले तक लोगों ने जानिया है। ये जिहड़ी बुक है हट के उन्होंने सारे कॉर्पस का एक क्रिटिकल रिव्यू लेंदी है। जिवें टाइटल दे विच वी आई हैव सैड दैट अ सेंचुरी ऑफ पोलिटिकल इनसाइट्स, उन्होंने जिहड़ी पोलिटिकल सोच है उसनू मैं अगे रखने की कोशिश की है। पर कोई पर्टिकुलर घटना जिन्हों पढ़ के या जिसे बारे थोड़ा पता लगा तो सोचा हो यार मैं जरूर इस उपर मैं कुछ लिखना मैं चाहिए। बाकी मैं उन्होंने इमरजेंसी नैक्सलिज्म फ्रीडम मूवमेंट सारिया चीज़ों बारे गल की है कि जी उन्होंने पर्सनैलिटी है इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ मैनी कल्चर्स। बाबूशाही देख रहे हो तुसी, आज एक नवी बुक लॉन्च दे मौके ते असी पहुँचे हैं। प्रोफेसर मनिंदर सिद्धू वल्लों एक बुक है जिहड़ी ओह अज लॉन्च की जा रही है, नयनतारा सहगल अ सेंचुरी ऑफ पोलिटिकल इनसाइट्स। सो इस बुक दे विच की रहन वाला है ते किहड़े कारणां करके जिहड़ी बुक है ओह प्रोफेसर मनिंदर सिद्धू ने लिखी है असी गलबात करांगे। नयनतारा सहगल बारे भी जानने की इन्हां तो कोशिश करांगे। साढ़े नाल मौजूद ने मैम, वधाइयां पहलां तां तुसीं जिहड़ी बुक लैके आ रहे हो अज लोक अर्पण हो रहा थोड़ी बुक दा। थैंक यू सो मच। मैम पहला सवाल जिहड़ी तुसीं लिखी है नयनतारा सहगल ए सेंचुरी ऑफ पोलिटिकल इनसाइट्स, सो इन्हां बारे दसो पहलां तां जिहड़े नयनतारा सहगल ने नहरू गांधी परिवार तों बिलोंग करदे ने ते पहलां तां इन्हां दे बारे दसो, फिर किहड़ी चीज़ां तों तुसीं इंस्पायर हो के इन्हां दे उत्ते बुक लिखण दा फैसला किया? ये जिहड़ी बुक लिखी है मैं ये इनफैक्ट एक आर्ग्यूमेंट है कि जिन्नी भी हाले तक रिसर्च हुई है नयनतारा ते वो सारी बायोग्राफिकल है, वो सारी उन्होंने जिन्योलॉजी वल जाती है, या फिर जिनी रिसर्च हुई है ज़्यादातर वो उन्होंने एक फेमिनिस्ट एंगल तो देखती है ते फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उसनू उन्होंने एप्रोप्रिएट कर लिया या उन्होंने सिर्फ एज अ वूमन राइटर हाले तक लोगों ने जानिया है। ये जिहड़ी बुक है हट के उन्होंने सारे कॉर्पस का एक क्रिटिकल रिव्यू लेंदी है एंड क्रिटिकल स्टडीज़ दे विच बहुत सारी रिसर्च हो गई है। 1960s दे विच फ्रेंच क्रिटिकल थियोरी आई, उस तो बाद जिहड़ा पावर डिस्कोर्स है जिस दे नाल नयनतारा दा सब तो वड्डी एंगेजमेंट हैगी है, जिवें टाइटल दे विच वी आई हैव सैड दैट अ सेंचुरी ऑफ पोलिटिकल इनसाइट्स। सो उन्हां दी मैं ये कहने की कोशिश की है कि चाहे उन्हां दी फेमिनिज़म है, चाहे उन्हां दी ट्रेनिंग एज हिस्टोरियन है, एज पॉलिटिशियन है पोलिटिकल एंगल तो, इस सारी उन्हां दी एक जिहड़ी वड्डी ओवरआर्चिंग लीनिंग हैगी है विद द पोलिटिकल डिस्कोर्स, उस करके है जे वो चाहे वो डिक्टेटरशिप दी गल कर रहे है एट अ पोलिटिकल लैवल, चाहे एट अ फेमिनिस्ट लैवल वो पेट्रियाकी दी गल कर रहे है, वो सारा उन्हां दे पोलिटिकल डिस्कोर्स का ही हिस्सा है। उन्हां दी जिहड़ी पोलिटिकल सोच है उसनू मैं अगे रखने की कोशिश की है ते थ्रू द क्रिटिकल लेंस आई हैव ट्राई टू सी वट नयनतारा हैज सैड रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू जेंडर, एंड इफ देर आर सम साइलेंसेज ऑल्सो इन हर वर्क, इट्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव स्टडी। काफ़ी सारिया चीज़ा इन्हों के नाल जुड़िया हुई है, पर कोई पर्टिकुलर घटना जिन्हों पढ़ के या जिसे बारे थोड़ा पता लगा तो सोचा हो यार मैं जरूर इस उपर मैं कुछ लिखना मैं चाहिए? मैं एक पेपर प्रजेंट किया इन्हों की बुक स्टॉम इन चंडीगढ़ से, उदो मैं काफ़ी रिसर्च की कि उन्होंने पंजाब की बायफरकेशन वास्ते बारे की लिखे, उन्होंने काफ़ी अच्छिया गल्लां कीतियां सी कि रिलिजन ते पॉलिटिक्स नू मिक्स करिए ता थोड़ा जा बहुत वॉलेटाइल हो जाती है सिचुएशन, पर मैनू ये भी लग्या कि वो जे इस गल नू पूरी
जिवें फूको कहिंदे ने उहदा आर्कियोलॉजिकली उहनूं डिग आउट करदे तां इहदे कारणां तक भी पहुँच सकदे सी बिकॉज उहनां दी पोलिटिकल सोच बड़ी डीप है, पर कई गल्लां बारे शायद उह साइलेंट रहे। बाकी मैं उन्हां दी इमरजेंसी नैक्सलिज्म फ्रीडम मूवमेंट सारियां चीज़ां बारे गल कीती है, किवें उन्होंने गांधी नहरू तिलक नेताजी सब बारे उन्होंने अपनी फिक्शन दे विच उन्होंने रिप्रजेंट किया है। मैम इन्हां बारे भी दसो, चलो बहुत लोगों को पता हैगा इन्हां दे बारे, कईयों नूं नहीं भी पता, तो ब्रीफ दे विच तुसीं इन्हां दी परसनैलिटी नूं तुसीं किवें डिफाइन करना? नैनतारा सहगल दी जिहड़ी सब तो उभर के उन्हां दे सारे कॉर्पस तो चीज़ अगे आउंदी है वह हैगी है असिमिलेशन ऑफ कल्चर्स। वो खुद भी उन्होंने कहा है पर मैनू भी लग्या कि जिहड़ी उन्हां दी पर्सनैलिटी है इट इज़ एन एंड प्रोडक्ट ऑफ मैनी कल्चर्स। शी स्टार्टेड इन अमेरिका, शी रिमेन्ड इन इंडिया, शी रोट फ्रॉम इंडिया। इनफैक्ट उन्होंने तो एक साहित्य अकैडमी के लैक्चर भी दिता सी कि द राइटर्स यू नो पेन इज इंक्ड इन सॉइल, सो अपनी सॉइल दे नेड़े रहे, पर उन्होंने जिहड़ी पर्सनैलिटी है वो नैरो बाउंड्रीज़ नू नहीं देखती, पोलिटिकल बाउंड्रीज़ नू, वो सिंक्रेटिक है। दूसरी चीज़ हैगी जिहड़ी उन्हां दी सोच है दैट इज़ प्रो फ्रीडम, प्रो जस्टिस, प्रो इक्वालिटी। इक्वालिटी हर तरह की इक्वालिटी, चाहे मैन वूमन रिलेशनशिप दे विच है, चाहे अमीर गरीब दे विच है। शी इज़ रियली यू नो शी रियली फॉरवर्ड्स द होल थॉट ऑफ द गांधी नेहरूवियन थॉट। मैम इस तो पहला कितनी बुक्स तुसी लिख चुके हो, कितनी बुक हैगी तुहाडी? ये एक क्रिटिकल बुक है, ये मोनोग्राफ है, ये मेरी पहली बुक है। वैसे कई बार मैं हिंदुस्तान टाइम्स विच आर्टिकल्स लिखती हैं, तो रिसर्च पेपर्स भी मैं लिखे हुए ने साहित्य अकैडमी लई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ लई, बट ये बुक मेरी पहली बुक है। तो मैम की डिफरेंट रहने वाला है, मतलब पहला भी जिवें तुसीं दस्सिया कई चीज़ा इन बारे लिख चुके ने काफ़ी लोग, तो थोड़ा इस बुक के विच की डिफरेंट रहेगा? ये नैनतारा ते पहला मोनोग्राफ है, किसी ने भी हाले तक उन्हां दी थिरेटिकल स्टडी नहीं की। थिरेटिकल स्टडी तो मेरा भाव हैगा कि जदों क्रिटिकल थियोरी आई तो नवें नवें पोलिटिकल साइंटिस्ट आए, जिवें फूको है या चॉम्सकी है या जेमसन है, एडवर्ड सईद है, होर बहुत ने पियर बॉर्डू एंड ऑल, उन्हां दी थियोरीज़ नूं स्टडी करके ये देखन दी कोशिश की है कि उस सोच का इन्हां दी बुक दे विच किस तरह रिफ्लैक्ट करती है या किवें इन्हां ने उस सोच नूं कंटेंपरेरी जिहड़ी थियरी है उहदी झलक किवें इन्हां दे कम्मां दे विच आउंदी है। तुसीं रिसर्च दा काम करदे हो मैम कॉलेज दे विच वी, ते किन्नी क रिसर्च करनी पई, कदों शुरू कीती सीगी, किन्ना टाइम लग गया पूरा? ज़्यादा टाइम नहीं लग्या, ये मेरे ख्याल मैनू डेढ़ साल दे विच मैं ये बुक प्रॉपरली एडिट करके फिनिश करती सी। थोड़ी जी हिस्टोरिकल रिसर्च मेरे को इन्हां दी पहलां भी सीगी। आखिरी सवाल जी, कोई होर किसी सबजैक्ट ते कोई रिसर्च तुसीं हुण कर रहे होंगे इस वेले, की चल रहा थोड़े दिमाग दे विच, आउण वाले टाइम च की मिल सकदा सी जो थोड़े वल्लों कुछ नवीं रिसर्च आवे? मैनूं ये लगदा कि अगला काम मैनूं शायद जिहड़ियां भाषा लिटरेचर्स ने उन्हां दियां जिहड़ियां ट्रांसलेशन्स ने अपने रीजनल राइटर्स ने, चाहे वह पंजाबी दे ने या किसी भी होर लैंग्वेज दे ने, वो जिहड़ियां उन्हां दियां ट्रांसलेशन्स है उन्हां ते थियरी दा काम करन दी बहुत लोड़ है। जे मौका मिलिया तां मैं उसनूं जरूर करांगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गल कर रहे सी प्रोफेसर मनिंदर सिद्धू दे नाल, जिहड़े पोस्ट ग्रैजुएट गवर्नमेंट कॉलेज सैक्टर 11 चंडीगढ़ दे, उहदे विच जिहड़ा रिसर्च सेंटर है उसके हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने, तो बुक उन्हां वल्लों लिखी गई है, तो दावा किया गया है कि पहला यह मोनोग्राफ जिहड़ा वह रहेगा नैनतारा सहगल ते, नहरू गांधी परिवार तो रहे ने वह, उस तो बिलोंग करते ने, मैंबर ने नैनतारा सहगल ते, उन्हां बारे की कुछ लिखा गया, उन्हां दी किस सोच नूं इस किताब दे विच उन्होंने उतारिया, तो की उम्मीदा ने आने वाले समय के होर की लैके आ रहे ने, यह सारी गलबात साढ़े नाल की है। चंडीगढ़ तो कैमरामैन आकाशदीप के नाल हर्षबाब सिंह सिद्धू, बाबू शाही टाइम्स।